हरियाणा ने जुलाई से स्कूलों में और अगस्त से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई शुरू करने का फैसला किया है। राज्य के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ये जानकारी दी। हरियाणा में सभी स्कूल और कॉलेज मार्च में लॉकडाउन लगाए जाने के बाद से ही बंद हैं। उन्होंने कहा कि हम चरणबद्ध तरीके से स्कूली शिक्षा शुरू करने जा रहे हैं। इसके तहत कक्षा 10वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल 1 जुलाई से और कक्षा 6वीं से 9वीं तक के लिए 15 जुलाई से शिक्षण कार्य शुरू होगा। उन्होंने कहा कि क्लास 2 शिफ्टों में लगेंगी। आधे छात्र पहली शिफ्ट में आए, बाकी दूसरी शिफ्ट में आए। हम अभी तक शिफ्ट की टाइमिंग तय नहीं कर पाए हैं। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एक दूसरे से दूरी तय करने के लिए अभिभावकों, शिक्षकों एवं विशेषज्ञों समेत संबंधित पक्षों से ये राय लेगी कि 2 शिफ्टों में क्लास लगाई जाए या नहीं। एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि यह पता लगाने के लिए कुछ विद्यालयों में डेमो क्लास लगेंगी कि कैसे क्लासों में एक दूसरे से दूरी बनाकर रखी जा सकती है। इस बीच बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने घोषणा की है कि 10वीं कक्षा के परिणाम 8 जून को घोषित किए जाएंगे। बोर्ड के अध्यक्ष जगबीर सिंह ने कहा कि 12वीं कक्षा के छात्रों को 1 जुलाई से 15 जुलाई तक अपनी लंबित परीक्षाओं के लिए उपस्थित होना होगा। हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को घर पर ही किताबें उपलब्ध करवाई जाएंगी। विभाग की ओर से जिले में जून के पहले सप्ताह में पहली से 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए किताबें सभी ब्लॉक में भेजी जाएंगी। इसके बाद संबंधित स्कूलों के शिक्षक छात्रों को घर घर जाकर किताबें उपलब्ध करवाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी सतेंद्र कौर वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस समय सभी स्कूल बंद हैं। वहीं शिक्षा विभाग की ओर से छात्रों को घर बैठे ई लर्निंग के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि पहली से 8वीं कक्षा तक करीब 60,000 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन सभी बच्चों को ये किताबें निःशुल्क दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि जून के पहले सप्ताह में ब्लॉक वाइज स्कूलों में नई किताबें प्रकाशित होकर आ रही हैं। नई किताबों को घरों तक पहुंचाने से पहले सैनिटाइज भी किया जाएगा। शिक्षक घर के बाहर ही अभिभावकों को किताबें देंगे। बच्चे स्कूल खोलने तक घर बैठे पढ़ सकें, यही मकसद है। इसके लिए विभाग की ओर से छात्रों को विषयानुसार होमवर्क दिया जाएगा। किताबों के साथ बच्चों को होमवर्क की लिस्ट भी दी जाएगी और इसके साथ ही विभाग अभिभावकों और छात्रों को कोरोना के बचाव से संबंधित हिदायतों का पत्र भी भेजेगा। स्टाफ को ऑफिस का काम करने के लिए बुला लिया गया है।